बांदा में नकली आईपीएस की गाड़ी ने शहर में तहलका मचा दिया। जिले के पुलिस अधीक्षिका को जैसे ही जानकारी हुई पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई और कुछ ही घंटों में पुलिस ने मठौंद थाना क्षेत्र में गाड़ी पकड़ ली। हम आपको बता दें कि मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब कुछ मीडिया कर्मी खबर की तलाश में जिला अस्पताल से होकर घोड़ा चौराहा चौकी की ओर जा रहे थे, जहां तभी एक फर्जी एसपी की गाड़ी कनक मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी थी, जिसे देखकर मीडिया कर्मियों को शक हुआ। उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसे देख गाड़ी में मौजूद 3 लोग गाड़ी लेकर भाग खड़े हुए। वहीं 2 ट्रक खड़े थे, जिनसे पूछताछ की गई तो वह गोलमाल जवाब देने लगे, जिसके बाद ये पता चला कि इनकी फर्जी आईपीएस की गाड़ी से कोई ना कोई संबंध जरूर है। सोना भरा है इसमें, गाड़ी किसकी है ये? ये गाड़ी हमारी, हम जा रहे गिट्टी भरने के लिए। कौन है आप जी? कौन ड्राइवर है? मालिक है भैया आप? मालिक को सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ के? नाम इश्तियाक अहमद, हम ड्राइवर है। कहाँ के रहने वाले? बहराइच के। बहराइच के रहने वाले जी। हमें आपसे बुराई नहीं है। वो लोग कौन थे, वो जो गाड़ी में जो बत्ती लगाए थे, वो सब कौन थे? वो यही के थे। वो आपकी जानने वाले हैं? आपकी, आप तो बोले उनसे दरबार किया, आप उनके नहीं, वो ट्रैफिक वाले रोके थे तो हम कह रहे थे भैया देखो अभी हम 10 मिनट नॉन्ट्री में बाकी था। वो कौन थे वो जो नीली बत्ती लगाए थे? एसपी लिखा था गाड़ी में वो? अरे यहीं पर खड़े थे तो उनका साथ देखो जरा मेरी गाड़ी छोड़वा। साथ में ठंडा पी रहे हैं, साथ में आपके साथ में आप गाड़ी से उतर के इधर आ रहे हो, आप कह रहे हो ऐसा नहीं वैसा। यहाँ कहाँ ले जा रहे हो आप? जा रहे हैं कबरई। यहाँ कैसे घुस गए आप? जहाँ हमको लेना था एक कागज, एक गाड़ी का हमारा चालान है, परमिट पड़ी है कितने से, तो उनसे बात करा था तो वहाँ पता चला कि अब अक्टीर कुछ नहीं हो पाएगा, तो हमने कहा कि चलो कवरेज चलते हैं। आपका लड़का ड्राइवर तो बता रहा है कि चाय पीने के लिए हम लोग रुके हैं यहाँ पर, रुके तो हम उसको बताया गाड़ी खड़ी करो, हम गए थे तो उससे बात किया अपने जो हमारा दलाल है जिसको आरटीओ ऑफिस में जिसने परमिट। कौन सी खदान में लगने जा रही है वाली? खदान उदान है, हाँ हाँ हमारी गाड़ी। कौन से एसओ से बात हुई है आपकी? कोई एसओ नहीं, कोई एसओ नहीं। कौन दलाल थे, किससे बात किया बता रहे हैं? कोई दलाल, कोई दलाल नहीं भाई। हम अभी तक मोरंग मेरी गाड़ी एक को लोडे नहीं की ना, आज तक रिकॉर्ड है, गिट्टी के अलावा मोरंग ही लोड करते हैं, 25 टन गिट्टी ले जाते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड है। तो आपने मामला संदिग्ध लगने पर मीडिया कर्मियों ने तुरंत पुलिस अधीक्षिका को तुरंत सूचना दी। सूचना मिलते ही मामले का संज्ञान लेते हुए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई, जिसके फलस्वरूप कुछ ही घंटों में फर्जी आईपीएस की गाड़ी 3 लोगों सहित पकड़ ली गई, जिनके पास से एक पिस्तल, 23 कारतूस, एक डंडा, एक सायरन और 2 एंटीना बरामद किए गए हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये गाड़ी चेकिंग के दौरान फर्जी आईपीएस की गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें 3 लोग मौजूद थे, उनमें से एक शख्स पुलिस की वर्दी भी पहने हुआ था जो रिटायर्ड फौजी है। फिलहाल इन पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। कल रात लगभग 12 बजे हमारे SHO मठौंद और उनके SSI मठौंद पेट्रोल पंप के पास चेकिंग कर रहे थे गाड़ियों की। इसी बीच एक इनोवा कार जिस पे पुलिस लेखन लगा हुआ था लाल नीला और पीछे उसके पुलिस कलर लगा हुआ था, उस पर SP उसके शीशे पे लिखा हुआ था, सफ़ेद कलर की इनोवा वहाँ आई, उसको रोका गया, उन्होंने चेक किया तो उसमें 3 व्यक्ति सवार थे। एक प्रदीप कुमार सिंह था, ये दूसरा अवधेश कुमार सिंह और तीसरा अजय कुमार तिवारी। अवधेश सिंह नरवल कानपुर का है और आपका अजय कुमार तिवारी बिंधनगंज सोनभद्र का है, और जो इसमें मुख्य था वो था कांस्टेबल प्रदीप कुमार सिंह। ये पुलिस का 2016 बैच का ये आरक्षी है और ये अमेठी में इसके पहले नियुक्त था, अमेठी से दिनांक 9/7/18 को ये रिलीव किया जा चुका था लखनऊ के लिए, लेकिन अभी इसने लखनऊ में ज्वाइन नहीं किया है। और ये 1994 से 2015 तक ये आर्मी में रह चुका है और कमांडो इत्यादि के कोर्स भी कर चुका है। और दूसरा अवधेश सिंह ये नरवल कानपुर का है और अजय कुमार तिवारी ये सादे में बैठे हुए थे और प्रदीप कुमार सिंह पुलिस की ड्रेस में था और इसके पास एक पिस्टल थी 32 बोर की और इसके अलावा 23 कार्टिजेस भी इसके पास से बरामद हुए हैं। और इस गाड़ी में एक पुलिस का डंडा और एक सायरन, हूटर के लिए जो सायरन का बॉक्स होता है वो, और 2 एंटेना ये बरामद हुए हैं। और इस पर हमारे यहाँ मटौल में मुकदमा अपराध संख्या 84/18 कायम हुआ है
और पुलिस इसमें रिवीजन। अब तक की जांच में क्या सामने आया, किसी बड़ी षड्यंत्र में निकले थे कोई इनकी योजना थी, शातिर योजना थी? इसने बताया कि हम गाड़ियों को पास कराने के लिए, अपनी दो ट्रकों को पास कराने के लिए जा रहे थे और इसके साथ दो ट्रकें थी, उसको लेकर के ये लोग कवरई जा रहे थे। और इस बीच में जब अन्य थानों से संपर्क किया गया तो हमारे सिविल लाइन के चौकी इंचार्ज भी वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने बताया कि कल रात में शाम को जब चेकिंग चालू थी उस बीच में इसने दो ट्रकों को लेकर के वहाँ ले जाने के लिए पुलिस से भी उलझ गया था और उनसे उल्टे धन की भी मांग की। तो ऐसी अवस्था में ये सारी चीज़ों की हम लोग विवेचना कर रहे हैं और जैसे ही और भी फैक्ट्स आएंगे हम। सर इसमें मेडिकल वाले का भी कुछ हाथ तक क्या रहा, मेडिकल वाले का भी? देखिए पुलिस अभी इसकी विवेचना कर रही है क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला हो सकता है। गाड़ी पर SP लिखा हुआ था। बांदा से साकेत अवस्थी। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.